अपनी मर्जी से और अपने दोस्तों की मशावरत से मैं हिंदुस्तान आवामी पार्टी से हर तरह के तालुकात से इस्तीफा देना चाहता हूँ। यानी कि इस पार्टी को उन लोगों ने भी छोड़ा जिनके बड़े जो दावे करते थे कि हमारे इस पार्टी में बड़े शोधा हैं, हमने शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, उन पर FIR कट रहा है, उनके घर पे पुलिस छापे मार रही है और बलूचिस्तान आवामी पार्टी का वजीर दाखिला है इस वक्त बलूचिस्तान में। लेकिन फौज का जो बुनियादी काम है दहशत गर्दों को ठिकाने लगाने का, तो आप इसमें भी मुदाखलत करते हैं कि ये भी ना करें। और एक MNA रह गया हमारे बलूचिस्तान आवामी पार्टी में और मैं खुले दिल से अपनी मर्जी से और अपने दोस्तों की मशावरत से मैं बलूचिस्तान आवामी पार्टी से हर तरह के तालुक से इस्तीफा देना चाहता हूँ और आप सबके सामने इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। इसकी वजूहत अगर मैं बात कर रहा हूँ ये मुनासिब नहीं होगा कि आप 4-5 साल की रफाकतें किसी पार्टी के साथ गुजार लें और उसके बाद जब आपका कोई जाती मफाद पूरी ना हो तो आप पिछले 5 साल की पड़ास भी उठा लें कि 4 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ था, ऐसा हुआ था, आज मैं उस बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ, ये मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन मैं एक बात लाजमी कहूँगा कि वो पार्टियाँ जो इस तरह बनती हैं और फिर डमाडोल रहती है, ना उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ना काउंसिल सेशन उनके होते हैं, ना उनके अंदर कोई कमेटियां बनती हैं, उन पार्टियों में नतीजा यही होता है एंड में कि वर्कर भी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और पार्टी क्यादत जो सीनियर क्यादत वो भी छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि इस पार्टी को उन लोगों ने भी छोड़ा जिनके बड़े जो दावे करते थे कि हमारे इस पार्टी में बड़े शोधा हैं, हमने शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों ने भी बलूचिस्तान आवामी पार्टी को छोड़ा। वजह क्या है कि आज बलूचिस्तान आवामी पार्टी के जो सूबाई सदर सरदार सालिम उन बोतानी साहब हैं उन पर FIR कट रहा है, उनके घर पे पुलिस छापे मार रही है और बलूचिस्तान आवामी पार्टी का वजीर दाखिला है इस वक्त बलूचिस्तान के। तो इख्तलाफात इस नेट पर क्यों आए, आखिर कौन है, क्या कर रहे हैं? एक तरफ हम हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस गर्दी भी चल रही है, सूबाई सदर के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फिर जब हम बात करते हैं कहते नहीं दाएं बाएं टाल मटोल करके हमें भी कहा जाता है कि नहीं इन बातों को इस तरह मत उछाला करें, ये मुनासिब होना चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान आवामी पार्टी सिर्फ जो मौजूद है वो सरदार सालिम उल बोतानी साहब की वजह से मौजूद है, वो वर्कर को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, ख्याल रखते हैं, उनकी वजह से वो पार्टी मौजूद है, कुछ लोग जाते हैं आते हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ बलूचिस्तान आवामी पार्टी का कोई ऑफिस भी नहीं है, यानी हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो पार्टी जिसकी असम्बली मेम्बरान हैं लेकिन ऑफिस नहीं है उनका। मैं तो ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ कि तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि पार्टियों को चेक बैलेंस करें, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी पर आप पर नुकता आएगा कि ये पार्टियां इस तरह रजिस्टर होकर बिना किसी उस पे आपके सामने ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पेश करते हैं, एक मंशूर पेश करते हैं 10-12 पेजेस का, वो भी इनकम्प्लीट, और आप उसे रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, उसके बाद कोई पूछने का नहीं है बलूचिस्तान में पार्टियों का क्या ऐसे चल रहे हैं। मैं बात नहीं करूंगा कि वरासत है जो वरासत भी चले, लेकिन पार्टियों के अंदर पार्टियों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हो और इसकी बेहतरी के लिए तो इलेक्शन कमीशन को तो काम करना चाहिए। हर साल इलेक्शन कमीशन इनसे ऑडिट की रिपोर्ट लेती है, बजट का रिपोर्ट लेता है, दीगर चीजों का, मरकजी काउंसिल सेशन का रिपोर्ट लेता है, लेकिन मरकजी काउंसिल सेशन जो है वो बड़ा इनाम होता है हमारे पार्टियों में, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को धोखा देने के लिए मरकजी काउंसिल इजलास बुलाते हैं और उसमें जो है मनमानी फैसले किए जाते हैं और वो फैसले पेश किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, देखें कि हम आपके कवानीन पर पूरा उतरते हैं। ये तमाम किस्से और कहानियां हमारे बलूचिस्तान में हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां जो स्टेक होल्डर्स के दावेदार हैं, एक तो इनकी हमेशा सियासत एक कहने दें मुझे डिक्टेटरशिप जमहूरी अंदाज में लोग सियासत करना चाहते हैं। यानी कि मुझे मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि इस हद नहज तक हम पहुंच चुके हैं कि अगर आप TSDP को असेंबली से बाहर निकाल देना तो ये जो हमारे पार्टी के बड़े नवाब हैं, सरदार हैं, ये काउंसलर बनने के लिए लाइन में लगे रहेंगे अगर TSDP इनके पास नहीं जाए। ये हालत है हमारे पार्टियों का, सारे कंस्ट्रक्शन जो है कंपनियों के मालिक हैं, सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक, और ये पार्टियां खुद कंस्ट्रक्शन कंपनियों के सब ब्रांचेस हैं, जिसके पास जाए अंदरूनी इख्तलाफ आते हैं, पीपल पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफ आते हैं और नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफ आते हैं। आप बताएं पर नौजवानों को सियासत का कौन सा रास्ता मैसर है इस वक्त, और फिर हमें बागी बनाया जाता है कि फौज के खिलाफ हमारा फौज कर रहा है, वफाक कर रहा है। इस बार आपने देखा 700 अरब से ज्यादा वफाकें आपको दी, आपके अपने महसूलात 124 अरब रुपए थे, खुद तो आप कमा नहीं सकते, खुद आपके पास कुछ है नहीं,
यदि वफात आपको दे रहा है और आप हमें वफात के खिलाफ पगलाते हैं, बातें करते हैं, आपका सिस्टम फेल हो चुका है। एक कौमी नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा, उसके पास सैनिक अथॉरिटी नहीं है। वो 18-19 ग्रेड ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने खड़े होकर एक सैन के लिए उसे मिलने तरले कर रहा होता है। स्ट्रक्चर इसलिए फेल है, अवामी नुमाइंदे के पास कोई नुमाइंदगी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की अपनी मनमानियां हैं, सियासतदानों की अपनी रवैया चल रही है। जिस पर हम बात करते हैं, ये 21वीं सदी के जो मसाइल हैं, वो उनका ही तकाजा है कि आप सिस्टम को तब्दील करें। कम से कम सिस्टम को यहां तक लेके आए कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिसने 20,000 वोट लिया है, 25,000 वोट लिया है, उस बेचारे को इतना हक होना चाहिए कि एक साइन कर सके, अपने स्टाफ के लिए कोई बजट कबूल कर सके कावा चाय बनाने के लिए। उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो फिर इस सिस्टम में आम आदमी का क्या क्या होगा, नौजवानों का क्या होगा, हम कहां जाएंगे? आप चले जाए सेक्रेटरी और जानबूझ कर असेंबली इजलास जो है दोपहर 3 बजे रखते हैं, और पूरा दिन कोई भी असेंबली में नहीं, सेक्रेटरी कोई नहीं आता था, क्योंकि सेकंड टाइम असेंबली इजलास होता है इनका। और मीटिंग्स का आप क्या हालात है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्रेंसेस या फिर उनके मसाइल के हल के लिए मीटिंग्स हो रही है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम मुख्तसर करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी से हमारा इस्तीफे के बाद तमाम पार्टियों से यही मुतालबा है कि आप नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग पर काम करें, उन्हें वर्क लाएं मत, उन्हें इस तरह बहकावे में मत लाएं। ये काम बहुत गलत है, ये जो आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जो कर रहे हैं, ये कब तक करते रहेंगे? कोई फलां कबीले के सरदार है, इनका बस चले तो अपने दूध पीते बच्चे को भी ना अपनी पार्टी के अंदर नोटिफिकेशन जारी करवा के कोई ओहदा दे दे। हम कहां जाएंगे, वर्कर कहां जाएंगे आपके? आज हम, मैं ये कहता हूं कि हम आखिरी वर्कर। ये मेरे साथ कलीमुल्ला साहब बैठे हैं, अपने हुड्डा की यूनियन के सदर है, बाप पार्टी, वो भी आज आके, ये आखिरी यूनियन है इनका, ये भी आ गए हमारे साथ बैठ गए और जाने लगे वापस। तो हमने अपने आगे का लयमन का ऐलान तो बाद में ही करना है। लेकिन हम एक साथ इसमें एक और जो अहम मसला है, अजम इस्तेकाम जो फौजी ऑपरेशन के हवाले से, हम उसमें भी चाहते हैं कि अजम इस्तेकाम को हम सियासी रवैश का शिकार नहीं बनाना चाहते। इंसर्जेंसी मौजूद है बलूचिस्तान में, अगर हमारे एक ही महीने के अंदर 30 पंजाबी चले गए हैं तो ये कहाँ चलेंगे? तो इंसर्जेंसी है, और फौज को आप भी कहते हैं ना कि फौज सियासत ना करे, फौज बॉर्डरों को निपटे, दहशतगर्दों को निपटे। जब दहशतगर्दों से निपटने की फौज की बारी आती है तो आप कहते हैं इनसे भी ना निपटो। तो फिर बजाय ये फौज बंदूक उठा के टैंकी उठा के कहाँ चले जाए? इनसे तो निपटना दे रहे हैं, इनसे तो आपको चाहिए कि यार अगर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठा रही है तो आप मनोहानों का काम में शामिल हो जाए। आप कहते हैं नहीं फौज सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें कबूल नहीं, मान लेते हैं आपको कबूल नहीं है, लेकिन फौज का जो बुनियादी काम है दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का, तो आप इसमें भी मुदाखलत करते हैं कि ये भी ना करें, ये ना करें तो जो पंजाबी नौजवान जिनको सीनेसी देकर कदम किया जाता है, अगवा किया जाता है, उनकी जिम्मेदार फिर आप हैं। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ ये मनफी प्रोपोगेंडे ना किए जाएं। बलूचिस्तान में जितने भी मनफी प्रोपोगेंडे हो रहे हैं, इन सब के पीछे सियासी पार्टियों का हाथ है। बड़े लीडर हैं, साबिक वजीर आला हैं, बड़ी क्यादत है, बड़ी सोच है, लेकिन अफसोस के साथ कोई जमहूरी सोच इनमें नहीं है। वो सिर्फ चंद मफादात को लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, एक भाई पहाड़ों में, दूसरा भाई असेंबली में, तकरीबन जितने भी हैं, चाहे भुट्टियों को देखें, डोंकियों को देखें, मरियों को देखें, रेसामियों को देखें, अलबत्ता जहरियों को देखें, वो सारे यही कर रहे हैं, एक भाई असेंबली में, दूसरा पहाड़ों में, फिर हमें आके भाषण भी दे रहे होते हैं। तो पहले आप जमहूरियत है जो कुछ अपने घर को सीधा कर लें। हम लोग जो है आपके साथ तैयार हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए तैयार हैं, इस्तेकाम सियासत के लिए तैयार हैं, और अजम इस्तेकाम जो ऑपरेशन है हम इसकी हिमायत करते हैं, और इसके लिए हम ये ऐलान करते हैं नौजवान सारे मिलकर कि हम इसकी विनवन से हिमायत करते हैं, और ये होना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुमकिन है ना कि हम कोई अपनी कोई छोटी सी मूवमेंट चलाएं नौजवानों के करियर काउंसलिंग पर? ये लाजमी नहीं है कि वोट लेने वाला सियासतदान हो, वोट ना लेने वाले भी तो सियासतदान हो सकते हैं। सियासत को तो हम कहते हैं ना कि इबादत है, या जो भी आप इसे नाम दें, खिदमत का नाम दें इसे, तो बगैर वोट से भी हो सकता है, बगैर सियासी जमात से भी हो सकता है। और मेरा ये इरादा है कि शायद ये जो नाम नया 3-4 पार्टी है, शायद मैं इसमें ना जाऊँ, हम थक चुके हैं इसमें, हमेशा इख्तलाफात लड़ लड़ के। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी में हम अदालत तक चले गए थे, स्टूडेंट फेडरेशन का हमने स्टे दिया था जाम साहब के अगेंस्ट। तो जाम साहब ऐसे शख्सियत थे कि वो शायद अच्छे वज़ीर आला साबित हुए या नहीं हुए, ये वक्त बताएगा,
लेकिन वो एक अच्छे पार्टी के प्रेसिडेंट साबित नहीं हो सके और अब वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं नून लीग के। तो मैं तो उनको भी तंबीह करता हूँ ना कि आपकी जो थोड़ी बहुत जो बची है ऑफिस है दफ्तर है आपको कहीं भी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग इतने दड़ों में तकसीम हो जाओगे कि देखते रह जाओगे जाम साहब की सदारत में, क्योंकि वो सदारत के लिए बिल्कुल भी हल नहीं है। बाकी अल्लाह पाक ने अच्छा तालीम दी है, अच्छे खानदान से होंगे, लेकिन वो पार्टी चलाने में उसमें नहीं है। जी इस वक्त नजरिया पेट से बढ़ के कुछ नहीं है बलुचिस्तान जवानों का। अगर कोई पार्टी पेट पूजे की तरफ नौजवानों को ला सकता है तो हम कहते हैं उसकी बाप पार्टी हो या नून लीग हो या पीपल पार्टी, हम जाने के लिए तैयार। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, नज़रिया सिर्फ ये जो लाउड स्पीकर ये जो मीडिया बैठे ना, हम सिर्फ यहाँ पे भाषण देते हैं, हमारे पीछे कोई नज़रियाती कोई फिक्र और सोच नहीं है। हम ना मुसन्नफ़ हैं, हम ना अदीब हैं, ना हम कॉलमनिस्ट हैं। हम सिर्फ लाउड देखते हैं तो चेक वगैरह का विंडो इंस्टॉल हो जाता है, फिर नज़रियाती बातें करते हैं। कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। ये जो बातें करते हैं इनके अफकार और किरदार से साबित ही नहीं है कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट पर इनकी जदोजहद स्ट्रगल है। जिनकी जदोजहद थी जमहूरियत पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके घरों में जमहूरियत नहीं है। जिस नज़रिए पर उन्होंने जाने दी वो नज़रिया उनके घरों में नहीं पनपा, तो आप बाहर की दुनिया को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो ये तो आपको आज की अक्ल आपको तस्लीम करना होगा ये बात कि भाई ये सारा फेक और डोंग रचाया गया बलुचिस्तान में। हम जैसे वर्कर इनके खेतों में सिंचे जाते हैं, इनकी भैंस बांधते हैं, उनको चारा डालते हैं और हम किसी काम के नहीं हैं, इनके किसी काम के नहीं हैं। देखिए अगर हम तुलबा तंजीम के नज़रियाती अफकार की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कायदे आज़म की जो तहरीक थी तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, उसमें तुलबा का बड़ा हाथ था। हालांकि कायदे आज़म ने तो ये ख़िताब में कहा कि तुलबा जो है ना ये मेरा असला खाना है, यानी उस थ्योरेटिकल बेस पर उनकी मूवमेंट उनकी जदोजहद थी। आज वही तुलबा तंजीम है जो यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर रहे हैं, जिनकी लड़ाइयाँ हैं, जो बता दे रहे हैं, इनको एड्रेस कौन कर रहा है? आप तुर्की में जाएं, आप किसी दुनिया में चले जाएं ना, आप किसी भी पार्टी के ऐसे मेंबर ही नहीं बन सकते जब तक आप उनके साथ वॉलंटियर बन के काम ना करें। पहले वो वॉलंटियर बनाते हैं दोस्तों को, अपने नौजवानों को, उसके बाद वो पार्टी में जाके जगा देते हैं ताकि वो हर तरह के तासुब और इख्तलाफ को अपने अंदर जन्म ना दे। हमारे यहाँ तो बाकायदा भाषण दिया जाता है, पार्टियों के दफातर के अंदर नौजवानों को बुला के कहा जाता है। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि कुछ पार्टियों ने अपने स्टूडेंट्स नौजवानों को प्रेस क्लब के सामने बिठा के रखा होता है कि बताएं आज कौन सी कोई तहरीक है या कोई एजाज है तो आप स्टेज संभालें या हमें फौरन बताएं या उसे मीडिया में उछालें। ये तो पार्टियों को खुद नोटिस करना चाहिए ना, चाहे वो BNP पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, ये किसने करना है? कि आप तुलबा को इतना डील तो नहीं दे सकते ना आप? वो तुलबा वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। आप फिर कभी कभार उन्हें बिल्कुल सिरे से जुदा कर लेते हैं, कभी उन्हें सीने से लगा लेते हैं। पार्टियों में जो स्टूडेंट तंजीम इस वक्त है वो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। उसकी बुनियादी वजह है कि वो इल्म और फहम के इदराक से नावाकिफ लोग हैं। अब हमारे यहाँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, मैं खुद वहाँ से ग्रेजुएटेड हूँ, हमने वहाँ हालात देखे ना क्या होता है वहाँ पर। जी बात करते हैं बलोच और पख्तून का, लेकिन जब स्टूडेंट्स की लड़ाई होती है तो वो इताद दिखाई नहीं देता आपको, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कहीं से तो ये फिक्र आ रही है ना, बात कहीं से तो हो रही है ना कि आपके बंद कमरों में कोई ऐसी ड्राइंग हो रही है जिसमें ये नफरत को डाला जा रहा है नौजवानों के जहन में। यानी स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं, 4 लाख 5 लाख बच्चे यहाँ बह रहे हैं। इस वक्त जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, सबसे फेल डिपार्टमेंट हमारे पास एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा अखराजात एजुकेशन पर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ एजुकेशन में हो रही हैं। और मैं आपको बताऊँ कि हम कहते हैं तालीम असातिज़ा हमारे जो है ना हमें मुस्तकबिल का हमें मेमार बना के देते हैं, और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा तंजीमें असातिज़ा की हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन, फेक अकाउंट्स की जो बात की जाती है, अकाउंटेबिलिटी की जो बात की जाती है, वो असातिज़ा की बात की जाती है।
आज एसबीके में क्या हुआ। तो जब आपके असातजा ये हाल है तो आप मुस्तकबिल के मेहमान बनाएंगे या खुद कुछ बम्बार आप बनाएंगे। तो ये तो सीधी वाजी बात है, आपका तालीमी ढांचा है, तालीमी प्रोसेस है, वो टोटली फेल है। आप इसको चेंज कर लें, नहीं चला सकते तो ठेकेदारों को दे दें, आपको ठेकेदार कंपटीशन बेस पर स्कूल भी चला के दिखाएंगे और बच्चों को भी आगे ले जाकर दिखाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका।